हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे एमएसएन का टॉपिक है हाइपोकैल्सीमिया। क्या होता है हाइपर कैल्सीमिया, क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले है हाइपोकैल्सीमिया। तो पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि हाइपरकैलीमिया क्या होता है और हाइपोकैलीमिया क्या होता है और हाइपर नेट्रीमिया क्या होता है और हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है। जैसे हाइपरकैलीमिया होता है पोटेशियम लेवल का बढ़ जाना, पोटेशियम का नॉर्मल से बढ़ जाना क्या कहलाता है, हाइपरकैलीमिया कहलाता है। और कम हो जाना, नॉर्मल रेंज से कम हो जाना क्या कहलाता है, हाइपोकैलीमिया कहलाता है। तो हाइपर हमेशा किसके लिए यूज होता है, हाइपर ज्यादा के लिए यूज होता है। अगर कोई भी चीज ज्यादा हो जाए तो उसके लिए हाइपर यूज होता है। और हाइपो मींस होता है कम हो जाना। तो ये दो जो पिछले बताए थे, पोटेशियम का ज्यादा हो जाना क्या कहलाता है, हाइपरकैलीमिया, और पोटेशियम का कम हो जाना हाइपोकैलीमिया कहलाता है, और सोडियम का ज्यादा होना हाइपर नेट्रीमिया कहलाता है और कम हो जाना हाइपोनेट्रीमिया कहलाता है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लास में, आप देख सकते हैं। आज का टॉपिक है हाइपोकैल्सीमिया। अगर कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है तो क्या कहलाता है, हाइपोकैल्सीमिया कहलाता है। तो कैल्शियम की जो नॉर्मल रेंज है वो होती है 8.5 से 10.5 क्या होती है, एमजीडीएल होती है। 8.5 से 10.5 एमजीडीएल होती है, ठीक है। तो हाइपोकैल्सीमिया इज कंडीशन ऑफ लो कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन, कितने कम से हो जाता है, देखो यहां से बताया 8.6 से कम हो जाता है, तो वो क्या कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपोकैल्सीमिया कहलाती है। कैल्शियम 8.5 से कम हो जाए, तो यहां पे 8.6 लिखा है, 8.6 लिखा है, बट 8.6 से कम हो जाए या फिर 8.5 से कम हो जाए तो भी क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया कहलाता है। अगर कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से कम हो जाए तो क्या कहलाता है, हाइपोकैल्सीमिया कहलाता है, ठीक है। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, नॉर्मल मैंने बता दिया, ये कितना होता है, ये कैल्शियम लेवल नॉर्मल होता है ब्लड के अंदर 8.5 से 10.5 एमजीडीएल, और ये नॉर्मल होता है। अब इसके कारण क्या होते हैं, किस कारण से यह कम हो जाता है तो वो पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहला कारण है बिकॉज डिक्रीज एल्बुमिन फॉर बाइंडिंग लीड्स टू डिक्रीज कैल्शियम लेवल। ये अगर एल्बुमिन का लेवल कम होता है, अगर एल्बुमिन का लेवल कम होने के कारण कैल्शियम का लेवल भी कम हो जाता है, क्या होता है, एल्बुमिन का लेवल कम होने के कारण कैल्शियम का लेवल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि ये इससे बाइंड करता है। और हाइपोकैल्सीमिया इन चिल्ड्रन में भी लिंक टू द प्रोटीन डेफिशिएंसी। और जो बच्चों के अंदर मेन कारण होता है हाइपोकैल्सीमिया का, मतलब कैल्शियम कम होने का जो बच्चों के अंदर जो कारण होता है वो होता है प्रोटीन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है प्रोटीन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, वो एक कारण है। तो दो कारण हो गए, एक तो जब एल्बुमिन कम होता है तो बॉडी के अंदर कैल्शियम अपने आप कम हो जाता है, और क्योंकि उसके साथ में बाइंड करता है, और बच्चों के अंदर क्या होता है, प्रोटीन की कमी होने के कारण कैल्शियम की कमी हो जाती है। सेकंड रीजन है हाइपोकैल्सीमिया कैन आल्सो बी डिक्रीज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो क्या होता है, कैल्शियम कहां से रिलीज होता है, तो पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होती है वहां से रिलीज होता है। तो वहां अगर कैल्शियम किस कारण हो सकता है, सर्जिकल रिमूव, अगर पैराथायरॉइड ग्लैंड को रिमूव कर दिया तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। और क्या हो सकता है, थायराइड का कैंसर हो गया, किसी को थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो गया तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। चेंज इन एसिड बेस, अगर एसिड बेस बैलेंस चेंज होता है, मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्कोलोसिस होता है, तो उसके कारण भी हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, एसिड बेस बैलेंस का चेंज होने के कारण भी हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। तो ये मेन कारण हो गए हाइपोकैल्सीमिया के।
क्या होते हैं, एल्बुमिन की कमी के साथ साथ में कैल्शियम भी कम हो जाता है। उसके बाद में अगर बच्चों में प्रोटीन की कमी होती है, बच्चों के अंदर अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्या हो सकता है, हाइपोकैल्शियमिया हो सकता है। उसके बाद में सर्जिकल रिमूवल ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड, अगर पैराथायरॉइड ग्लैंड को सर्जिकल तरीके से रिमूव कर दिया जाए, सर्जरी करके रिमूव कर दिया जाए तो क्या हो सकता है, हाइपोकैल्शियमिया हो सकता है। उसके बाद में क्या हो सकता है, थायरॉइड ग्लैंड क्या हो सकता है, थायरॉइड का कैंसर हो जाए तो उसके कारण भी हाइपोकैल्शियमिया हो सकता है। फिर एसिड बेस इम्बेलेंस हो जाए, उसके अंदर एसिड बेस बैलेंस में चेंजेस देखने को मिले, उसके कारण भी हाइपोकैल्शियमिया हो सकता है। तो ये कारण हो गए मेन। उसके बाद में है सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, जैसे ही कैल्शियम होगा कम तो सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, लक्षण क्या देखने को मिलेंगे, उसके अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलेंगे, सब एक ही चीज होती है ना। तो उसके अंदर क्या, पेशेंट के अंदर क्या आ जाएगी, नमनेस आ जाएगी। सबसे पहला जो सिम्टम देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, नमनेस देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो सिम्टम आएगा वो आएगा नमनेस। नमनेस को क्या कहते हैं हिंदी में, सुन्नपन कहते हैं। हाथ पैर क्या हो जाएंगे, सुन्न पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये देखने को मिलेगा। उसके बाद में टिंगलिंग ऑफ हैंड, ये सिम्टम देखने को मिलेगा, टिंगलिंग ऑफ हैंड का मतलब है हाथ पैरों के आसपास क्या आ जानी, झुनझुनी आनी, टिंगलिंग रहना, झुनझुनी जैसे आनी, हाथों पैरों में झुनझुनी आनी, ये किसका सिम्टम है, ये हाइपोकैल्शियमिया का सिम्टम है। फीट एंड अराउंड द माउथ, और टिंगलिंग सेशन रहता है पैरों में और मुंह के पास में भी रह सकता है, माउथ के पास में भी रह सकता है, ठीक है। उसके बाद में मसल ट्रिमर्स आ सकते हैं पेशेंट को, क्या आ सकते हैं, मसल ट्रिमर्स आ सकते हैं। मांसपेशियों में क्या रहती है, कंपन रहती है, मसल ट्रिमर्स बोल सकते हैं। उसके बाद में क्रेम्स आ सकते हैं, खिंचाव आते हैं ना, जकड़न हो सकती है, मसल्स में क्रेम्स वगैरह आ सकते हैं। सीवियर इवेंट कैन बी टिटनाई एंड कन्वर्जन, और क्या होता है, सीवियर अगर किसी को सीवियर हाइपोकैल्शियमिया हो गया तो टिटनाई जैसे कंडीशन आ सकती है, टिटनाई मैंने डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, पिछली क्लास में दे सकते हो। और कन्वर्जन भी आ सकते हैं, यानी दौरे आ सकते हैं, पेशेंट को दौरे भी आ सकते हैं। तो ये कुछ सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। पेशेंट को टिटनाई हो सकती है, दौरे आ सकते हैं, गंभीर क्या रही, मांसपेशियों की एंठन हो सकती है, क्रेम्स आ सकते हैं, कंपन आ सकता है। पेशेंट में भी आल्सो एक्सपीरियंस कार्डियक डिसरिदमिया, और पेशेंट को क्या हो सकता है, कार्डियक डिसरिदमिया भी हो सकता है, ये भी सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, कार्डियक डिसरिदमिया देखने को मिल सकता है पेशेंट को, क्या देखने को मिल सकता है, कार्डियक डिसरिदमिया देखने को मिल सकता है। उसके बाद में रिड्यूस कार्डियक आउटपुट, और पेशेंट का कार्डियक आउटपुट है वो कम हो जाएगा। पॉजिटिव ट्रोकेस एंड चोवेस्टिक सिम्टम्स और किस सिम्टम देखने को मिलेंगे, जब क्या करोगे आप इसके अंदर, क्या करते हैं इसके अंदर, ये टेस्ट होते हैं जो चोवेस्टिक सिम्टम और जो फेसियल जो नर्व होती है, फेसियल जो फेस की नर्व होती है वहाँ इंक्रीज क्या हो जाती है, इरिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, चोवेस्टिक सिम्टम कहलाते हैं। फेसियल जो नर्व होती है वहाँ पे इंक्रीज क्या हो जाती है, फेसियल नर्व के अंदर इंक्रीज इरिटेबिलिटी हो जाती है। ट्विस्टिंग, फेसियल पैरालिसिस जैसे देखने को मिल सकता है, फेस कैसे ऐसे तिरछा हो जाएगा, तो वो चोवेस्टिक साइन कहलाता है। और जब हाथ पे बीपी इंस्ट्रूमेंट बांधते हैं तो बीपी इंस्ट्रूमेंट बांधते हैं तब वहाँ के जो हाथ के जो आगे की जो अंगुलियां वगैरह है वो ऐसे ऐसे हो जाएगी, ऐसे तिरछी की तरह, तो वो ट्रोकेस साइन कहलाता है। ये कुछ सिम्टम है जो देखने को मिल सकते हैं उसके अंदर, पेशेंट के अंदर ट्रोसव और चोवेस्टिक के सिम्टम, ट्रोसव और चेवेस्टिक के सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, ट्रोसव और चेवेस्टिक के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और क्या देखने को मिलेगा, डिसओरिएंटेड एंड एंजाइटी। डिसओरिएंटेड किसे कहते हैं, पेशेंट क्या रहेगा,
डिसओरिएंटेड हो जाएगा, मतलब वो कमांड फॉलो नहीं करेगा, डिसओरिएंटेड जैसे सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो मैं बता रहा था ट्रसाऊ और 24 टिक के अंदर क्या होता है, ट्रसाऊ के अंदर क्या रहता है, बीपी इंस्ट्रूमेंट को अगर बांधते हैं, यहां पे बीपी इंस्ट्रूमेंट को बांध के अगर उसको इन्फ्लेट किया जाए, उसे टाइट किया जाए, तो हाथ जो है वो ऐसे हो जाएंगे, उसमें अकड़न आने लग जाएगी, ऐसे इस तरह के से होने लग जाएंगे। तो वहां पे उसको वो सिम्टम है जो क्या शो करता है कि पेशेंट को कैल्शियम की कमी है, जिसको क्या है, पेशेंट को कैल्शियम की कमी है। और चोवेस्टिक साइन में क्या होता है कि जो फेस की मसल्स वगैरह है वहां ऐसे तिरछा हो जाता है, वो भी एक सिम्टम है। तो ये सिम्टम भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद में पेशेंट डिसओरिएंटेड रहेगा, मतलब कंफ्यूजन रहेगा, डिसओरिएंटेड रहेगा, कमांड फॉलो नहीं करेगा, एंजाइटी देखने को मिलेगी, उसे पेशेंट में एंजाइटी देखने को मिलेगी। उसके बाद में साइकोसिस, पेशेंट में साइकोसिस जैसे सिम्टम आ सकते हैं। ये तो हो गया सिम्टम्स, ये तो हो गए सिम्टम। अब है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, क्या करोगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट इन 9 mg/dL डोज और कैल्शियम क्लोराइड इन 9 mg/dL डोज और कैल्शियम क्लोराइड इन 36 mg/dL डोज शुड बी गिवन इंट्रावेनसली। जो आईवी देते हैं, इंट्रावेनस देते हैं, वो कितनी डोज देते हैं, तो 9 mg/dL तो देते हैं, क्या देते हैं, 9 mg/dL देते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट और कैल्शियम क्लोराइड देते हैं 36 mg/dL डोज शुड बी गिवन आईवी, इंट्रावेस्कुलर देते हैं जब पेशेंट को अगर हाइपोकैल्शिमिया हो तो आईवी ये डोज दी जाती है। उसके बाद में कैल्शियम ग्लूकोनेट इन 100 mg/kg और कैल्शियम ग्लूकोनेट कितना देते हैं, 100 mg/kg देते हैं। अगर 1 kg का बेबी है या व्यक्ति है तो उसे 100 mg देंगे, अगर वही व्यक्ति 60 kg का हो गया तो 60 kg का हो गया तो कितना दोगे, तो 60 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6000 mg, है ना, 1 kg पर अगर 100 mg देते हैं तो अगर वो 6 kg का है तो 6 kg का तो 600 mg, अगर वो 60 kg का है तो 6000 mg, तो इतनी देंगे। वाइल कैल्शियम क्लोराइड इन 10 to 20 mg/kg और कितना देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड कितने देते हैं, 10 to 20 mg/kg देते हैं। अगर व्यक्ति 10 केजी का है और उसे 10 एमजी देना है तो 10 से 10 इंटू किया तो 100 एमजी लगभग हो जाएगा, और अगर वो 70 केजी का है तो 70 को इंटू किया 10 से तो 700 एमजी के करीब होगा। तो ऐसे आप डोज निकाल सकते हो। तो जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है वो 100 mg/kg डोज से देते हैं और कैल्शियम क्लोराइड कितने देते हैं, 10 to 20 mg/kg के डोज से देते हैं। इस तरह से ये डोज दी जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है, इन केस ऑफ हाई फॉस्फोरस लेवल, अगर फॉस्फोरस का लेवल हाई हो गया है व्यक्ति में तो सी शुड बी गिव एल्बुमिन हाइड्रोक्साइड देते हैं। अगर पेशेंट का अगर इन केस ऑफ हाई फॉस्फोरस लेवल सी शुड गिव एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देते हैं पेशेंट को, क्या करते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देते हैं। इन केस ऑफ हाई फॉस्फोरस लेवल सी शुड बी गिव एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, पेशेंट को एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देते हैं। एंटासिड होती है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होती है, एंटासिड होती है, जो क्या करती है, टू रिड्यूस फॉस्फोरस लेवल, और वो फॉस्फोरस के लेवल को कम कर देती है और इंक्रीज कैल्शियम लेवल, और कैल्शियम लेवल को बढ़ा देती है। अगर पेशेंट का फॉस्फोरस का लेवल बढ़ा हुआ है
तो उसमें एंटा एसिड देना चाहिए। एंटा एसिड कौन सी होती है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होती है, और भी एंटा एसिड होती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कैल्शियम या मैग्नीशियम कार्बोड हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम भी होती है ना। तो ये कुछ एंटा एसिड्स होती है जो क्या करती है, फॉस्फोरस के लेवल को कम कर देगी और कैल्शियम के लेवल को क्या कर देगी, इसको तो कम कर देगी, फॉस्फोरस के लेवल को कम कर देगी और लेकिन जो है कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देगी, इसको बढ़ा देगी एंटासिड्स। उसके बाद में है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, शी शुड कीप द पेशेंट सेफ फ्रॉम ऑल सॉरी सेफ फ्रॉम फॉल एज इट कॉज। उसे क्या करना चाहिए, गिरने से बचाना चाहिए हमेशा। पेशेंट को क्या ध्यान में रखना चाहिए कि पेशेंट गिर ना जाए, है ना, गिरने से बचाना चाहिए, पेशेंट को गिरने से बचाना चाहिए। तो गिरने से क्या हो सकता है, बोन फ्रैक्चर हो सकती है। अगर जिस पेशेंट का कैल्शियम कम है उसे गिरने से बचाना चाहिए। क्यों गिरने से बचाना चाहिए, क्योंकि उसके कैल्शियम की कमी की वजह से बोन वीक होती है, तो वो फ्रैक्चर होने का चांसेस रहता है, बोन फ्रैक्चर होने का चांस रहता है, यानी बोन के टूटने का डर रहता है। और उस पेशेंट को क्या सीजर आ सकते हैं, दौरे आ सकते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना है। प्रिकॉशन एंड लेरिंजियल स्पाज्म, और पेशेंट को लेरिंजियल स्पाज्म आ सकते हैं, लंग्स में स्पाज्म आ सकते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसका ध्यान रखना है। अगर पेशेंट का जो है कैल्शियम लेवल पहले से कम है तो उसे कभी भी क्या करना चाहिए, उसे गिरने से बचाना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम कम होने की वजह से फ्रैक्चर हो सकता है, बोन टूट सकती है, सीजर आ सकते हैं, दौरे आ सकते हैं, लेरिंजियल स्पाज्म हो सकता है, उसका ध्यान रखना है। उसके बाद में सेकंड नंबर है आपका शी शुड प्रोवाइड आईवी कैल्शियम ग्रेजुअली एज ऑर्डर, और उसे क्या करना चाहिए, आईवी प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे डॉक्टर ने एडवाइज की है वैसे आईवी देनी चाहिए, है ना। पेशेंट को आईवी फ्लूड देना चाहिए, कौन सा, कैल्शियम ग्लूकोनेट वगैरह जैसे ऑर्डर में दिया गया, तो आईवी जल्दी जल्दी देनी चाहिए। उसके बाद में शी शुड बी इनिशिएट इनटेक टू ओरल कैल्शियम विद विटामिन डी सप्लीमेंट, और पेशेंट को क्या करना चाहिए, ओरली देना चाहिए कैल्शियम वगैरह, ना, सी शुड बी इनटेक ऑफ ओरल कैल्शियम, ओरली कैल्शियम देना चाहिए, कैल्शियम और विटामिन D3 टैबलेट आती है ना, कैल्शियम विटामिन D3 की टैबलेट आती है, कैल्शियम प्लस विटामिन D3 की टैबलेट आती है 500 mg की आती है, तो वो आप सुबह शाम दे सकते हो, BD दे सकते हो या OD दे सकते हो, डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग। सप्लीमेंट गिवन आफ्टर मील और बेड टाइम विद फुल ग्लास ऑफ वाटर, और ये कब लेनी है, आफ्टर मील खाना खाने के बाद में लेनी है कैल्शियम, और बेड टाइम फुल ग्लास ऑफ वाटर, या मिल्क के साथ में भी ले सकते हैं, मिल्क के साथ में भी बेस्ट है, दूध के साथ में भी ले सकते हैं, फुल ग्लास ऑफ वाटर के साथ में लें या फिर दूध के साथ में लें। उसके बाद में सी शुड क्लोजली मॉनिटर द रेस्पिरेटरी कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम, उसके क्या करने हैं, सी शुड बी क्लोजली मॉनिटर उसके रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर के जो सिम्टम है उनको, क्लोजली सिस्टम है उनको क्या है, क्लोजली मॉनिटर करना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि कैल्शियम कम होने की वजह से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है, सिम्टम चेंज हो सकते हैं, कुछ पेशेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। सी शुड बी मॉनिटर पेशेंट कार्डियक स्टेटस एंड कार्डियक स्टेटस हैड हैव ECG, है ना, ECG का ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है कार्डियक पेशेंट की कार्डियक स्टेटस का ध्यान रखते हुए ECG चेंजेस का ध्यान रखना है। अगर पेशेंट में कुछ भी प्रकार का ECG चेंजेस देखने को मिल रहा है तो वो ध्यान रखा है। उस रोगी की हृदय की स्थिति बारीक से निगरानी करनी है, ECG करवाना है, ECG चेक करवानी है उस पेशेंट की, ठीक है, तो पेशेंट की क्या करनी है, ECG चेक करवानी है। अब है नेक्स्ट, ये तो हो गया आपका हाइपोकैल्शिमिया, अब है हाइपरकैल्शिमिया, नेक्स्ट है हाइपरकैल्शिमिया।
कैल्शियम अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, ये तो हो गया कैल्शियम कम होने पे क्या होता है, तो वो थी हाइपोकैल्शियमिया। अगर कैल्शियम कितना 8.5 से कम हो जाए तो हाइपोकैल्शियमिया कहते हैं। कैल्शियम कम होने का क्या रीजन है, कारण थे, अलग अलग कारण थे, वो डिस्कस करेंगे, वापस एक बार रिवीजन कराएंगे क्लास खत्म होने के बाद में। अब पढ़ते हैं अपन हाइपरकैल्शियमिया। अगर कैल्शियम नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो मैंने बताया था कितना होता है 8.5 से 10.5 होता है, वो थोड़ा अलग अलग बुकों में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ये 8.23 या फिर 23 ये हो सकता है, लेकिन ये जो नॉर्मल रेंज है वो करेक्ट यही है 8.5 से 10.5 mgdl, ठीक है। उसके बाद में हाइपरकैल्शियमिया इज ए कंडीशन ऑफ एक्सेसिव कैल्शियम। कैल्शियम क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, कितना ज़्यादा हो जाए 10.2 की जगह 5 कर लेना, 10.5 से ज़्यादा हो जाए इन द ECF, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड ECF का मतलब है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड। कितना हो जाए, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल 10.5 से ज़्यादा हो जाए, 10.5 से ज़्यादा हो जाए तो उसे कहते हैं हाइपरकैल्शियमिया, उसे कहते हैं हाइपरकैल्शियमिया। क्या कारण हो सकता है, कोज क्या क्या हो सकते हैं, कारण क्या क्या हो सकता है, कैल्शियम बढ़ने का कारण क्या हो सकता है, कैल्शियम ज़्यादा दे दिया तो कैल्शियम बढ़ सकता है, सीधा सीधा एक तो यही कारण होता है। उसके बाद में लेट्रोजेनिक ओवर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोकैल्शियमिया। देखो मैंने बताया था इसके अंदर क्या कर दिया, ओवर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैल्शियमिया। अगर किसी पेशेंट को हाइपोकैल्शियमिया है, कैल्शियम की कमी है, और ओवर ज़्यादा ओवर ट्रीटमेंट दे दिया, मतलब कैल्शियम ज़्यादा दे दिया, तो उसके कारण क्या हो सकता है, कैल्शियम बढ़ सकता है। उसके बाद में मैलिग्नेंस नियोप्लाज्मा, है ना, अगर कैंसर सेल का डेवलपमेंट होता है मैलिग्नेंस और नियोप्लाज्मा हो जाए, मैलिग्नेंस नियोप्लाज्मा हो जाए तो उसके कारण हो सकता है। ये और है मेलिग्नेंस, कैंसर सेल का बनना मेलिग्नेंस, एक बिनाइन ट्यूमर होती है, एक मेलिग्नेंट ट्यूमर होती है, तो मेलिग्नेंस का बनना, नियोप्लाज्मा मतलब भी कैंसर सेल्स का बनना, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है। उसके बाद में इमोबिलिटी के कारण हो सकता है, जो व्यक्ति ज़्यादा चलता नहीं है, बैठा रहता है, उसके कारण भी हाइपरकैल्शियमिया हो सकता है, ठीक है, उसके कारण भी क्या हो सकता है, हाइपरकैल्शियमिया हो सकता है। इमोबिलिटी के कारण, एक जगह रहने के कारण हो सकता है, कैंसर के कारण हो सकता है। उसके बाद में हाइपोफॉस्फेटीमिया, अगर फॉस्फोरस का लेवल कम हो जाता है तो उसके कारण भी हो सकता है, हाइपोफॉस्फेटीमिया के कारण हो सकता है, और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के कारण हो सकता है। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन का अगर ज़्यादा सिक्रेशन होता है तो उसके कारण भी हो सकता है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के कारण हो सकता है। विटामिन डी की पॉइजनिंग के कारण हो सकता है, विटामिन डी की पॉइजनिंग हो गई, विटामिन डी की पॉइजनिंग हो गई तो उसके कारण हो सकता है। यूरेज ऑफ थायजाइड डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स का अगर यूज ज़्यादा किया तो उसके कारण हो सकता है। उसके बाद में हाइपोफॉस्फेटीमिया, ठीक है, हाइपोफॉस्फेटीसिया के कारण भी हो सकता है, तो इसके अंदर फॉस्फोरस की कमी के कारण हो सकता है, फॉस्फोरस की कमी के कारण हो सकता है। और एंड फैमिलीज हाइपरकैल्शियमिया आर, फेमिलियल हाइपरकैल्शियमिया आर कंडीशन दैट कैन कोज हाइपरकैल्शियमिया। अगर किसी के फेमिलियर में है, मतलब फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम आए तो उसके कारण भी हो सकता है, मतलब पारिवारिक तौर पे, है ना, फेमिलियर में है, पारिवारिक तौर पे अगर उस सबको हाइपरकैल्शियमिया है तो एक पारिवारिक तौर पे भी हो सकता है, सबके हाइपरकैल्शियमिया की प्रॉब्लम है, मतलब मदर वदर को है तो बच्चों में आ सकती है, ये कुछ कंडीशन भी हो सकती है, तो हाइपरकैल्शियमिया हो सकता है।
ये रीजन हो गए, ये मेन मेन कारण है। मेन मेन कारण क्या होता है, कोई भी कैंसर का कारण हो सकता है, कैंसर होने के कारण हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है, इमोबिलिटी के कारण हो सकता है, फॉस्फोरस का लेवल कम हो गया तो हाइपोफॉस्फेथीमिया के कारण हो सकता है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के कारण हो सकता है, पैराथायरॉयडिज्म का अगर ज़्यादा सिक्रेशन होता है तो उसके कारण होता है, विटामिन डी की पॉइजनिंग के कारण हो सकता है, डायुरेटिक्स का ज़्यादा यूज के कारण हो सकता है, और हाइपोफॉस्फेथीसिया के कारण हो सकता है, और फेमिलियर हाइपरकैल्सीमिया, अगर फैमिली में किसी का हाइपरकैल्सीमिया तो उसका भी एक रीजन हो सकता है। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण क्या हो सकता है, कैल्शियम ज़्यादा हो सकता है। सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे तो वो पढ़ते हैं अभी। तो पेशेंट विथ हाइपरकैल्सीमिया कैन हैव फैटिक, उसे क्या देखने को मिलेगी, थकान देखने को मिलेगी पेशेंट में थकान देखने को मिलेगी। जिस पेशेंट का अगर कैल्शियम ज़्यादा है उस पेशेंट में थकान देखने को मिलेगी। उसके बाद में वीकनेस, कमजोरी देखने को मिलेगी। रिड्यूज डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, जो रिफ्लेक्सेस है, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस है, वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। रिड्यूज डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, ठीक है, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस है वहाँ पे क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। उसके बाद में एनोरेक्सिया देखने को लगेगी, उसे अधिक एनोरेक्सिया, भूख ना लगना, नोजिया देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग, उल्टी वगैरह देखने को मिल सकता है, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, कब्जी हो सकती है, कब्जी, वॉमिटिंग मतलब उल्टी, जी घबराना, नोजिया, भूख ना लगना, एनोरेक्सिया, पोलीयूरिया हो सकता है, यूरिन अधिक मात्रा में, हाइपर केली यूरिया हो सकता है, ठीक है, पोलीयूरिया हो सकता है, हाइपर केली यूरिया हो सकता है, फ्लैंक पेन हो सकता है ड्यू टू यूरिनरी कैलकुलाई, और यूरिनरी कैलकुलाई मतलब स्टोन हो सकती है, पथरी के कारण हो सकता है। उसके बाद में डिसरिथमियास और प्रोबेबल हार्ट ब्लॉक हो सकता है पेशेंट को, अगर ज्यादा कैल्शियम हो गया तो डिसरिथमियास हो सकता है। तो यूरिन क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, पोलीयूरिया मतलब है यूरिन ज्यादा हो सकता है, यूरिन की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा। और यूरिनरी स्टोन हो सकती है, कैलकुलाई मतलब पथरी हो सकती है, स्टोन हो सकती है, उसके कारण भी हो सकता है, डिसरिथमिया हो सकता है, प्रोबेबल हार्ट ब्लॉक हो सकता है। तो ये सिम्टम देखने को मिलेंगे, ये वाले सिम्टम देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर, कैल्शियम अगर ज़्यादा हो गया तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, पेशेंट को थकान हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, और उसके जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस है वो कम हो जाएंगे, उसे भूख नहीं लगेगी, एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा, उसके बाद में नोजिया देखने को मिल सकता है, वोमिटिंग देखने को मिल सकता है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है, पोलीयूरिया, यूरिन की मात्रा उसमें ज़्यादा हो जाएगी, यूरिन बार बार करेगा, हाइपर केलीयूरिया हो जाएगा, यूरिया का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा उसके अंदर। उसके बाद में फ्लैंक पेन हो सकता है, किसके कारण हो सकता है फ्लैंक पेन, स्टोन के कारण, फ्लैंक पेन कहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो उस क्या हो सकता है, स्टोन के कारण हो सकता है, डिसरिथमिया और प्रोबेबल हार्ट ब्लॉक हो सकता है। ये कुछ सिम्टम है जो आपको देखने को मिल सकते हैं किसके अंदर, हाइपर केलीमिया के अंदर। उसके बाद में है मेडिकल मैनेजमेंट, इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या करोगे, एक आता है नर्सिंग मैनेजमेंट, एक होता है मेडिकल मैनेजमेंट, तो मेडिकल में कौन कौन सी दवाई वगैरह देंगे वो आती है, सर्जिकल मैनेजमेंट में सर्जरी वगैरह की जाती है। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर है पेशेंट एट रिस्क फॉर हाइपर कैल्शियमिया अलोंग दोज हु ऑलरेडी हैव इट आर आइडेंटिफाई एंड फॉलो फॉर न्यूरोलॉजिक एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टेस्ट। उसके अंदर क्या करते हैं, हाइपर कैल्शियमिया होने के कारण अगर पेशेंट ऑलरेडी आइडेंटिफाई करना चाहिए, न्यूरोलॉजिक और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टेस्ट करने चाहिए, उसके न्यूरोलॉजी के टेस्ट और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन के टेस्ट है वो करने चाहिए।
ऐसे पेशेंटों को जोखिम के बारे में पहले से पता रहता है कि हाइपरकैल्सिमिया की प्रॉब्लम है, तो उन्हें न्यूरोलॉजिक और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, उन्हें पता करना चाहिए, इन टेस्ट के बारे में उन्हें नॉलेज होना चाहिए और परीक्षणों का पालन किया जाना चाहिए, ठीक है। सेकेंड है, बिकॉज सीरम कैल्शियम लेवल इज ग्रेटर देन 10 mg/dL, सीरम कैल्शियम लेवल कितना ज़्यादा हो जाता है 10 mg/dL से, 10.5 से ही ज़्यादा हो जाता है, कैन बी फेटल, और क्या हो सकता है, ये घातक हो सकता है। आईवी फ्लूइड शुड बी गिव टू डायलेटेड और लोअर द कैल्शियम लेवल इन द ICF एज वेल एज एड्रेसिंग ऑफ अंडरलाइंग डिजीज। तो इसमें क्या करना चाहिए, पेशेंट को क्या है, आईवी फ्लूइड देनी चाहिए, वो भी डायलूटेड आईवी फ्लूइड देनी चाहिए, ठीक है। तो सीरम कैल्शियम लेवल का स्तर अगर 10 से अधिक हो जाता है तो ECF इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम के स्तर को क्या करना चाहिए, कम करने के लिए आईवी फ्लूइड दिए जाने चाहिए। इसको क्या करना चाहिए, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को कम करने के लिए आईवी फ्लूइड दिए जाने चाहिए। पेशेंट शुड बी ट्रेंड टू लिमिट द इनटेक ऑफ कैल्शियम रिच फूड्स, और पेशेंट को हमेशा बताना है अगर कैल्शियम पहले से ज़्यादा है तो उसे कैल्शियम का इनटेक हमेशा क्या करना चाहिए, कम लेना चाहिए। अगर पेशेंट का कैल्शियम पहले से ज़्यादा है और तो वो कैल्शियम का इनटेक ज़्यादा ले रहा है तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उसे कैल्शियम का इनटेक क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। कंज्यूम हाई फाइबर डाइट टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन, और पेशेंट को कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्जी हो सकती है ना, क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, कब्जी हो सकती है। तो इसलिए पेशेंट को क्या लेनी चाहिए, हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए, हाई फाइबर डाइट लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होगा। उसके बाद में कैल्शियम एक्सक्रिएशन शुड आल्सो बी बूस्ट विद लूप डायुरेटिक्स, और कैल्शियम एक्सक्रिएशन शुड बी आल्सो बूस्टेड विद लूप डायुरेटिक्स। लूप डायुरेटिक होते हैं फ्रूसामाइड, फ्रूसामाइड का एग्जाम्पल क्या है, लेसिक्स वगैरह, लेसिक्स और डाइटोर। तो इसका भी एक्सक्रिएशन शुड बी आल्सो बूस्ट विद लूप डायुरेटिक्स कर सकते हैं, लूप डायुरेटिक्स दे सकते हैं। कौन सी होती है लूप डायुरेटिक्स, तो लूप डायुरेटिक्स होती है फ्रूसामाइड्स, फ्रूसामाइड्स के अंदर भी कौन सी आती है, जो कैल्शियम का उत्सर्जन भी बढ़ाना चाहिए लूप डायुरेटिक्स के साथ में। अब फ्लैंक और एब्डोमेन प्लेन कंप्लेन शुड बी ट्रीटेड, यूरिन शुड बी स्टेन टू डायग्नोस स्टोन फॉर्मेशन, और क्या करना चाहिए, फ्लैंक पेन, अगर पेशेंट को पतली हो गई है तो फ्लैंक पेन देखने को मिलेगा, तो फ्लैंक पेन और एब्डोमेन पेन कंप्लेन क्या करेगा, एब्डोमेन पेन की कंप्लेन करेगा, फ्लैंक पेन की कंप्लेन करेगा, ट्रीट विथ यूरिन, सॉरी ट्रीटेड एंड यूरिन शुड बी स्टेन, इसे क्या करना चाहिए, अगर ये पेन हो रहा है तो उसे उसका ट्रीटमेंट देना चाहिए, लेकिन अगर यूरिन क्या करना चाहिए, उसको स्टेन करना चाहिए, उसे छानना चाहिए, जिससे क्या कि जो पतली निकलेगी वो पता चल जाएगी। स्टेन का मतलब यहाँ छानने से है, मतलब उसे छानना चाहिए। डायग्नोस स्टोन फॉर्मेशन, और जो स्टोन बन रही है, पतली बन रही है, उसका डायग्नोस करना चाहिए कि किस वजह से बन रही है, ठीक है। जो दर्द हो रहा है उस शिकायतों का इलाज किया जाना चाहिए और पतली बनने का डायग्नोस करना चाहिए, और अगर नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करते हैं, तो नर्सिंग मैनेजमेंट है, शी शुड कीप द पेशेंट हाइड्रेटेड टू डिक्रीज द चांस ऑफ रिनल स्टोन फॉर्मेशन। पेशेंट को हमेशा क्या रहना चाहिए, हाइड्रेटेड रहना चाहिए, अधिक पानी पीना चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं रहना चाहिए। अगर डिहाइड्रेटेड रहेगा तो क्या रहेगी, रिनल स्टोन नहीं बनेगी, पथरी वगैरह नहीं बनेगी, हाइपरकैल्शियम के कारण पथरी बनती है। तो पेशेंट को हाइड्रेटेड रखना है, यूरिन बॉडी से ज़्यादा निकलेगा तो कम चांस रहेगा फॉर्मेशन होने का, और कैल्शियम के कारण भी स्टोन बनती है, तो डिक्रीज द चांस ऑफ रिनल स्टोन ऑफ फॉर्मेशन अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड रहेगा। सी शुड प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम फॉलिंग एंड गेटिंग इंजरी, और उसे क्या करना है, पेशेंट को गिरने से बचाना है, फॉलिंग और इंजरी लगने से बचाना है, ठीक है। पेशेंट को क्या करना है,
इंजरी लगने से बचाना है और गिरने से बचाना है, तो ये एक और नर्सिंग मैनेजमेंट है। उसके बाद में सी शुड ऑब्जर्व द कार्डियक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और रीनल एंड न्यूरो स्टेटस ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का क्या है कार्डियक स्टेटस ध्यान में रखना है, कार्डियक प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं हो रही है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम का ध्यान में रखना है और रीनल एंड न्यूरो स्टेटस का भी ध्यान रखना है। इनको ऑब्जर्व करते रहना है क्योंकि पथरी वगैरह बन सकती है, कार्डियक एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कुछ भी एबनॉर्मलिटी हो सकती है, तो इसका ऑब्जर्व करना है पेशेंट का। सी शुड मॉनिटर द चेंज ऑफ ईसीजी और ईसीजी का ध्यान रखना है, ईसीजी के अंदर कुछ चेंजेस आ सकते हैं तो इसका भी ध्यान में रखना है। सी शुड एवेलुएट द सीरम कैल्शियम आयोनाइज कैल्शियम प्लाज्मा प्रोटीन लेवल एंड पैराथायरॉइड हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन द लेबोरेटरी। और उसका क्या करना है कैल्शियम और प्लाज्मा प्रोटीन लेवल और पैराथायरॉइड हार्मोन लेवल का लेबोरेटरी में टेस्ट करवाना है, उससे भी क्या पता चल जाएगा, प्रयोगशाला में टेस्ट करवाना है। हाँ भाई एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। ये हो गया हाइपर कैल्शीमिया, एक थोड़ा सा ईसीजी बता देता हूँ कि ईसीजी में क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो जो पेशेंट है उसके ईसीजी ईसीजी है जो नॉर्मल ईसीजी मैंने बताई थी पी क्यू आर एस टी है ना, पी क्यू आर एस टी ऐसे बनता है, वापस बनाते हैं एक बार, पी क्यू आर एस टी, तो पी क्यू आर एस टी तो ये देखने को मिलता है। ये मैंने ईसीजी उसमें बताई थी हाइपरकैल्शीमिया और हाइपोकैल्शीमिया में अंदर, ये नॉर्मल ईसीजी है, ये क्या है नॉर्मल ईसीजी है, नॉर्मल ईसीजी, इसके अंदर पी पी वेव बनती है फिर क्यू आर एस टी वेव बनती है, ऐसे बनती है। लेकिन अगर उसके अंदर क्यू टी इंटरवल, जो ये क्यू टी इंटरवल है ये ज़्यादा हो जाए, ये प्रोलोंग हो जाए है ना, अगर ये क्यू टी इंटरवल ये क्या हो जाए ज़्यादा हो जाए, ये क्यू टी इंटरवल ज़्यादा हो जाए तो अभी क्या हो सकता है, तो ये जो क्यू टी इंटरवल था ये क्यू यहां पे क्यू बनता है ना, क्यू टी जो इंटरवल था ये जो इंटरवल है ये ज्यादा हो जाए तो वो किसको शो करता है, वो हाइपोकैल्शीमिया को शो करता है, हाइपोकैल्शीमिया को शो करता है, वो हाइपोकैल्शीमिया को शो करता है। जब क्यू टी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाए ज्यादा हो जाए तो हाइपर कैल्शीमिया को शो करता है। अगर शॉर्टिंग सी एस टी सेगमेंट शॉर्ट हो जाए, एस टी सेगमेंट थे जो एस और टी ये सेगमेंट है ये छोटा हो जाए, ये शॉर्ट हो जाए, अगर सीधा ऐसा बन जाए ठीक है, अगर ये न बन के सीधा ऐसा बन जाए, ये सीधा ये पी बना उसके बाद में ये एस टी सेगमेंट है ये सीधा बन जाए ऐसा और ऐसा बन जाए तो ये शॉर्ट एस टी सेगमेंट, एस टी सेगमेंट क्या हो जाएगा, एस टी सेगमेंट सेगमेंट शॉर्ट हो जाए, शॉर्ट हो जाए तो ये क्या होता है, ये हाइपर कैल्शीमिया को शो करता है, हाइपर कैल्शीमिया को शो करता है और ये हाइपो को शो करता है। अगर क्यू टी इंटरवल ज़्यादा हो जाए तो वो हाइपो कैल्शीमिया को शो करता है और अगर कम हो जाए एस टी सेगमेंट शॉर्ट हो जाए तो वो हाइपर कैल्शीमिया को शो करता है। ये कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं।
ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं ईसीजी के अंदर। तो एक बार वापस बता देता हूँ, कैल्शियम का लेवल अगर नॉर्मल से कम हो जाए तो कहलाता है हाइपोकैल्शियमिया कहलाता है। अगर कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से कम हो जाए तो क्या कहलाता है? हाइपोकैल्शियमिया कहलाता है। अगर कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से कम हो जाए तो हाइपोकैल्शियमिया। नॉर्मल कितना होता है? तो 8.5 से 10.5 क्या होता है? नॉर्मल होता है। 8.5 से 10.5 क्या होता है? नॉर्मल होता है। तो वो कैल्शियम अगर इससे कम हो जाए, 8.5 से कम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? 8.5 से अगर कम हो जाए तो वो हाइपोकैल्शियमिया कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हाइपोकैल्शियमिया के कारण क्या हो सकते हैं। मैंने बताया था कारण क्या क्या हो सकते हैं हाइपोकैल्शियमिया का। कारण क्या हो सकता है? एल्बुमिन अगर डिक्रीज होता है तो उसके कारण भी हाइपोकैल्शियमिया हो सकता है, उसके साथ में बाइंड करके रहता है। और हाइपोकैल्शियमिया का क्या, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है बच्चों में तो उसके कारण भी हो सकता है। तो ये एक कारण थे। और हाइपोकैल्शियमिया का कारण क्या है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड को सर्जिकल तरीके से रिमूव कर दिया तो कारण क्या हो सकता है? हाइपोकैल्शियमिया हो सकता है। थायरॉइड का कैंसर हो गया तो उसके कारण हो सकता है। तो इसके अंदर सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे? सिम्टम देखने को मिलेंगे इसके अंदर नमनेस हो जाएगा, टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ द हैंड होगा, है ना, ये कुछ देखने को मिलेंगे। मसल ट्रिमर्स और क्रैम्स आ सकते हैं, ये कुछ सिम्टम देखने को मिलेंगे। डिसरिदमिया वगैरह हो सकता है, कार्डियक डिसरिदमिया हो सकता है, कार्डियक आउटपुट हो सकता है। और इसके अंदर पॉजिटिव कौन से टेस्ट देखने को मिलेंगे? चोवेस्टिक टेस्ट और ट्रोसाउ टेस्ट जो है पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। ये दोनों सिम्टम है वो पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। इसके अंदर क्या करते हैं, बीपी इंस्ट्रूमेंट को बांधते हैं तो उसके जो हाथ है वो ऐसे तिरछे की तरह हो जाएंगे, ऐसे वहाँ स्पाज आने लग जाएगा, तो वो ट्रोसाउ साउंड के अंदर होता है। और उसमें फेस की जो मसल्स है उसके अंदर स्ट्रेस आने लग जाता है। और डिसओरिएंटेड एंजाइटी जैसे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं 9 mg/dL पर डोज और कैल्शियम क्लोराइड देते हैं 36 mg/dL, ओके। और कैल्शियम ग्लूकोनेट 100 mg/kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देते हैं, और जो है कैल्शियम क्लोराइड 10 mg/kg की डोज से देते हैं। अगर फॉस्फोरस का लेवल हाई है तो उसे एंटासिड देके ठीक किया जाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देके ठीक किया जाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब क्या होती है? एंटासिड होती है। तो ये देखे कम किया जा सकता है। उसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करते हैं, पेशेंट को गिरने से बचाना है क्योंकि फ्रैक्चर वगैरह हो सकता है, सीजर आ सकते हैं। उसके बाद में उसके क्या करना है, इनटेक के अंदर कैल्शियम वगैरह विटामिन डी 3 के सप्लीमेंट देने हैं तो उससे कैल्शियम बढ़ जाएगा। रेस्पिरेटरी और कार्डियक सिस्टम का थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है, इसी चेंजेस का ध्यान रखना है। हाइपर कैल्शियमिया क्या होते हैं, जब कैल्शियम का लेवल 10 से ज़्यादा हो जाए, 10.5 से ज़्यादा हो जाए तो उसे हाइपर कैल्शियमिया कहते हैं। कारण वही है, कारण क्या हो सकता है, कैंसर एक कारण हो सकता है, इमोबिलिटी कारण हो सकता है, हाइपर पैराथायरॉइड हार्मोन की वजह से हो सकता है, डायरोटिक्स की वजह से हो सकता है। तो ये कुछ कारण थे। उसके बाद में सिम्टम में फैटिक, वीकनेस, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, एनोरोक्सिया, कॉन्स्टिपेशन, ये कुछ सिम्टम देखने को मिलेंगे। और किडनी स्टोन हो सकती है, हार्ट ब्लॉक वाले डिसरिदमिया जैसे सिम्टम भी देखने को मिल सकते हैं। तो मैनेजमेंट क्या करना चाहिए, पेशेंट को मैनेजमेंट में ध्यान में रखना है जो कैल्शियम लेवल है वो 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो आईवी फ्लूड देना चाहिए पेशेंट को, आईवी फ्लूड देना चाहिए कैल्शियम जो क्या करें, कैल्शियम के लेवल को कम कर दे। लोअर कैल्शियम लेवल इन किसमें, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम कर दे। पेशेंट शुड बी ट्रेंड विथ इनटेक कैल्शियम रिच फूड, ये लिमिट में खाए, कैल्शियम की जो डाइट है वो कम कर दे क्योंकि पहले से कैल्शियम बढ़ा हुआ है ना। और हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए जिससे कॉन्स्टिपेशन से बचा जा सके। उसके बाद में बताया था पेशेंट को फ्लैग पेन वगैरह हो सकता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, पेन को ट्रीट करना चाहिए, है ना, जो स्टोन बन रही है पथरी किस वजह से बन रही है ये ध्यान में रखना चाहिए, पथरी जो बन रही है किस वजह से बन रही है, ईसीजी का अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए, ईसीजी हमेशा मॉनिटर करते रहना चाहिए।
और पेशेंट के जो है कैल्शियम प्लाज्मा प्रोटीन लेवल, पैराथायरॉइड हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन इन लेबोरेटरी में अंदर ये जांच करती रहने चाहिए। तो थैंक यू सो मच, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।